दोस्तों गाना बनाने से लेकर फोटो बनाने तक मार्केट में कई सारे AI टूल्स आ गए हैं जिनकी मदद से आप कई अमेजिंग काम कर सकते हैं। बस सिर्फ अब एक कमी है तो खाना बनाने वाले की बात तो सही है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 6 अमेजिंग वेबसाइट्स जो बिल्कुल फ्री हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और दोस्त सबको नहीं बताना चाहते तो नोट्स लिख लो fivefiles.ai पे। ये एक ट्रांसक्राइबिंग वेबसाइट है जो कि वीडियो या ऑडियो फाइल की मदद से टेक्स्ट जनरेट करके दे देती है और इसको यूज करना भी काफी ज्यादा आसान है। आप चाहे ऑनलाइन मीटिंग में हो या क्लासेस में या फिर आपके पास कोई रिकॉर्डेड फाइल है, आपको सिंपली वेबसाइट पे अपलोड करना है और ये उसके नोट्स बना के दे देगी। सिंपली वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, सब्सक्रिप्शन लोगे तो वेल एंड गुड और नहीं तो फ्री में भी काम चल जाएगा और फिर फाइल को अपलोड कर देना है और ट्रांसक्राइब होने के 15 से 20 मिनट के बाद फाइल आपके लॉगिन किए हुए ईमेल एड्रेस पर आपको मिल जाएगी टेक्स्ट फॉर्म में। अच्छा हाँ, और इसके साथ ही अगला टूल काफी ज्यादा बवाल है। अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं या कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं तो ये आपके लिए लाइफ सेविंग होने वाला है। टूल का नाम है sounddraw.io। इस वेबसाइट पे जाके आप AI की मदद से एकदम यूनिक तरीके के म्यूजिक बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक की मदद से। जिसके लिए वेबसाइट पे जाके क्रिएट म्यूजिक पे क्लिक करना है, मूड सिलेक्ट करना है और इसके बाद AI अपना जादू दिखाएगा और बूम, म्यूजिक बन के तैयार है। पर बाकी अल्ट्रेशंस आप बाद में भी कर सकते हो, जैसे कि म्यूजिक की लेंथ, उसके थीम और भी बहुत कुछ। पर इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। रुको जरा, सबर करो। इससे पहले कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बोलने लगो कि भाई तू तो फ्री वाला बताने वाला था, तो इसका फ्री ऑप्शन भी अवेलेबल है और वो है soundful.com। तो उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और वहीं अगले टूल की मदद से कई सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, कई सारे लोग सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं और हम अभी तक यहीं पे अटके हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। और बात करें अगले टूल की तो वो है वन एंड ओनली ChatGPT। वाह, ऑस्कर जैसी फील आ गई। और इसकी मदद से आप स्क्रिप्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोग्रामिंग, बिजनेस जैसे कई सारे काम कर सकते हैं। और इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैंने अलग से बना के रखी है जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी, जहां पे मैंने कई सारी चीज़ों को इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और वहीं अगला टूल है Tommy.app। इसकी मदद से आप PPT बना सकते हो। पर इसमें क्या खास बात है, आप यही सोच रहे होंगे, है ना? तो इसकी खास बात है इसका स्टोरी टेलिंग का तरीका और साथ ही सिर्फ कुछ कीवर्ड लिखते ही ये पूरा PPT बना के आपको दे देता है। ऐसे तो नहीं होता है। लिटरली आपको सिर्फ कुछ कीवर्ड ही लिखना है, जैसे कि होम ऑटोमेशन, और ये उसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड PPT बना के दे देगा जो कि AI की मदद से बनता है। तो यहाँ पे ये स्टोरी बुक की तरह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और साथ ही इन्फॉर्मेटिव भी होता है और जिसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हो और जहाँ चाहे वहाँ शेयर भी कर सकते हो। और इससे मुझे याद आया अपना अगला टूल जो टेक्स्ट की मदद से ऑडियो और वीडियो फाइल को जनरेट कर देता है। क्यों हिला डाला ना? वेबसाइट का नाम है flicky.ai। अगेन ये काफी कमाल की वेबसाइट है। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है और उसके बाद आप इस स्क्रीन पे आ जाओगे। यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके ऑडियो लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, जिसके काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ पे पिच, वॉल्यूम, स्पीड सब सेट कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट सेक्शन में टेक्स्ट टाइप कर दो और यहाँ पे ऑटो पिक वीडियो का ऑप्शन मिलता है, उसको सिलेक्ट कर लो, जिससे ये टेक्स्ट की मदद से ही वीडियो को सिलेक्ट कर लेता है और कुछ इस तरीके की वीडियो बना के दे देता है। नेचर, द वंडरफुल गिफ्ट वी गेट फ्रॉम गॉड, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट नेचर। और अब दोस्त इस वीडियो की लास्ट AI बेस्ट वेबसाइट आपको बताऊं, उसके पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो। तो दोस्तों इस वेबसाइट की मदद से आप आज के ट्रेंड को फॉलो कर पाओगे, यानी कि ये कर पाओगे। तो वेबसाइट का नाम है midjourney.com। लॉगिन वॉगिन करके मस्त एकदम लेफ्ट साइड बॉटम में जो डिस्कॉर्ड चल रहे हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, फिर /imagine टाइप करके जैसा इमेज चाहते हो वो लिख दो, कुछ इस तरीके से।
साथ में रियलिस्टिक और 4K टैग को भी जरूर ऐड कर देना, जिससे काफी बेहतरीन रियलिस्टिक इमेज जो है रेंडर होके सामने आ जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, और ये काफी ज्यादा कमाल की है। और फिर जो भी इमेज पसंद आए उसका वर्जन सिलेक्ट कर उसको ओपन कर लेना, और फिर नॉर्मली जैसे कि वेब ब्राउजर से हम इमेज डाउनलोड करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी कुछ वो AI वेबसाइट्स जो एवरीडे आप यूज कर सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।